दोस्तों क्वेश्चन कि क्या हम किसी पीडीएफ फाइल को एज अ बुक प्रिंट कर सकते हैं? आंसर जी हां। क्वेश्चन कैसे? आंसर बड़ी आसानी से। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी पीडीएफ फॉर्मेट की ई बुक को कैसे प्रिंट कर सकते हैं एक रियल बुक के फॉर्मेट में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी और लाइव एक बुक प्रिंट करके भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों किसी भी पीडीएफ फाइल को अगर बुक की तरह प्रिंट करना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम बुक खोलेंगे तो मान लीजिए ये हमारा बुक का पेज नंबर 1 है, ये बुक का पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 4 है, इस तरह से ऐसे चलते चले जाएंगे। तो हमें ये नहीं पता चल पाता कि इस पेज में हम यहां पर अगर पेज नंबर लेंगे तो इसके पीछे कौन सा पेज नंबर डालेंगे और इसके पीछे यहां पर कौन सा पेज नंबर डालेंगे और कैसे हम बुक को प्रिंट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत सिंपल सा एक जुगाड़ तैयार किया आपको बताने के लिए। वो ये कि मैंने देखिए यहां पर कुछ नंबर्स लिख लिए हैं कुछ पेजेस के, और इसकी मदद से मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं। तो देखिए मैंने यहां पर जैसे कि दिखाया अलग अलग नंबर्स लिख लिए हैं, अब हम इनको अलग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पहले एक पेज लिया, उसको मोड़ लिया और पेज नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से डाल लिया। तो अब देखिए अगर हम इसको पेज नंबर 1 बनाते हैं और 16 पेजेस की एक बुक बनाते हैं तो पहला ये हमारा पेज नंबर 1 होगा, दूसरा ये पेज नंबर 2 होगा और इसके इसी पन्ने पर जब हम प्रिंट करेंगे ऐसे पेज को तो यहां वाला पेज जो होगा पेज नंबर 15 होगा और पेज नंबर पीछे वाला 16 होगा। ऐसे ही पेज नंबर 2 में भी हम देख लेते हैं, पेपर को ऐसे लेकर के मोड़ लीजिए और फिर डाल करके नंबर चेक कर लीजिए। तो इस तरह से आप जितने भी पेजेस की बुक प्रिंट करते हैं इससे वो आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे हमें पेज को प्रिंट करना है और कैसे पेपर में किसी भी पीडीएफ फाइल को कैसे सेट करना है। तो अब चलिए सिस्टम पर चलते हैं और वहां चल के आपको बताते हैं कि इसी फॉर्मेट में हम कैसे किसी भी नॉर्मल पीडीएफ फाइल को बुक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आसानी से प्रिंट करके ऐसे बुकलेट बना सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ये एक पीडीएफ फाइल है जो मुझे प्रिंट करनी है एज अ बुक फॉर्मेट में। ये नॉर्मली हम लोग ऐसे तो प्रिंट कर सकते हैं लेकिन हम इसे बुक फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे उसके लिए हमें फोटोशॉप ऑन करना पड़ेगा। तो पहले फोटोशॉप ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको फोटोशॉप ऑन कर लेना है और उसके बाद इस फाइल को क्लिक करके ओपन करना है। और जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहां पर दिखाएगा कि आपको कौन सा पेज ओपन करना है। तो एक एक करके आप पेज ओपन करते जाएंगे और उसको जैसा मैं बता रहा हूं वैसा सेट करते जाएंगे। तो मैंने पहले पेज नंबर 1 ओपन कर लिया और ये हमारे सामने पेज नंबर 1 आ गया। और आपको मैंने पहले ही बताया कि पेज नंबर 1 के साथ आपको पीछे के साइड पेज नंबर 16 प्रिंट करना है। तो हम यहां पर ऑन कर लेते हैं उसी फाइल को और पेज नंबर 16 पर आते हैं। गो टू पेज नंबर 16। तो हमारे पास पेज नंबर 1 और पेज नंबर 16 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, एक नया पेज खोलना है क्योंकि हम A4 साइज में प्रिंट करने वाले हैं। तो A4 साइज का एक पेज ले लेंगे और इसके बाद इसे हम पोर्ट्रेट पेज को लैंडस्केप कर देंगे। तो यहां आ जाइए और इमेज में आकर के आप इसे 90 डिग्री पर रोटेट कर दीजिए। ये हमारा A4 साइज का एक लैंडस्केप पेज आ गया। पेज नंबर 1 लेकर के आपको यहां पर इधर ड्रैग करा देना है, ये आ गया। और इसको फुल पेज में आपको लेना है, कंट्रोल टी करिए आपको यहाँ साइज मिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरफ यहाँ पर पेज नंबर 1 रख दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर पेज नंबर 16 को लेना है और कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहां पर पेज नंबर 16 को भी पेस्ट कर देना है। आपको नापने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर ऑलरेडी जब आप इसको कंट्रोल टी की मदद से बड़ा करेंगे पेज नंबर 2 को यानी कि ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अपने आप जितने में ये फिट हो जाए आप अपने आइडिया से उतना ले लीजिए और यहां पर इसको फिट कर दीजिए। ये देखिए ये हो गया। अब थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं और इसको सेंटर पे यहां पर ऐसे कर देते हैं। तो हमारे पास पेज नंबर 1 आ गया, पेज नंबर 16 आ गया। आप चाहिए तो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 16 यहां डाल भी सकते हैं। मैं बड़ा बड़ा डाल देता हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। पेज नंबर 1 और पेज नंबर 16 ये लीजिए। तो मैंने यहां पर पेज नंबर 1 और पेज नंबर 16 डाल दिया, ये देखिए। इसी तरह से दोस्तों आपको इसके फ्रंट पेज को भी तैयार कर लेना है। और फ्रंट पेज पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इसके ठीक पीछे आपको पेज नंबर 2 और पेज नंबर 15 प्रिंट करना है। तो हम इसको यहां साइड में रखते हैं और अब फिर अपनी फाइल में जाते हैं। पेज नंबर
2 को लेते हैं और पेज नंबर 15 को ओपन करते हैं, तो ये हमारे इस पेज का बैक साइड हो जाएगा। प्रिंटआउट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह से ऑड पेजेस, जैसे कि ये है पेज नंबर 1 वाला शीट, फिर पेज नंबर 3 वाला, 5 और पेज नंबर 7, इस तरह से निकाल लेंगे और फिर इसी को पलट के हम लोग इधर 6 और ये इसके नीचे 7 और ये सारी चीज़ें प्रिंटआउट निकालते हुए चले जाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से बाइंड कर देंगे। तो चलिए प्रिंटर पर चलते हैं और आपको प्रिंटआउट निकाल करके दिखाते हैं। तो हम लोग पहले प्रिंट करने वाले हैं पेज नंबर 1 और 16, ये वाला पेज। तो देखिए दोस्तों, अब ये आपके एक साइड का पेज निकल के आ चुका है। ये 10-7, ये 5-12, ये और ये है 1-16। अब आपको क्या करना है, आपने ऐसे प्रिंट दिया था, ऐसे निकल के आया था। अगर आप गलती से इसको ऐसे पलट देंगे तो प्रिंट उल्टा आएगा, क्योंकि इसमें इस तरफ लिख के आएगा, इसमें इस तरफ लिख के आएगा। आपका जैसे प्रिंट आया है आपको ऐसे ही रखना है और इसको ऐसे पलटना है, ठीक है। और अब वहां पर सेटिंग ऐसे करनी है कि 1 के नीचे 2 वाला आए और 16 के नीचे उसके नीचे वाला आए, 15 वाला। तो अब आपको सिंपली इसको ऐसे रख देना है। मैं फिर से दिखा देता हूं, आपका प्रिंट आउट ऐसे आया है और अब आपको ऐसे पलट के यहां पर रख देना है और पहले 215 वाला दे देना है। मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको, ये 1 के नीचे 215 वाला, फिर 3 वाले के नीचे आपको दे देना है 413 वाला और 7 वाले नीचे दे देना है 8 और 9 वाला। तो बस ऐसे ही आपको प्रिंट कर देना है। तो चलिए जल्दी से इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, आपके पेजेस प्रिंट होकर के रेडी हो चुके हैं। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूं इस साइड के, मैं पहले आपको दिखा चुका हूं 1 के बाद 3 वाला, 14 वाला और ऐसे करते करते लास्ट में आपका ये 5 और 12 वाला। और इसी के ठीक पीछे साइड में अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए 8-9 इसके नीचे आया है, 11-6 इसके नीचे आया है और इसी तरह से आपका 15 और 2 इसके नीचे आया है। आपको सिंपली इसको बराबर से ऐसे करके फोल्ड कर देना है दोनों साइड से। ये देखिए नीचे से भी आपको बस ऐसे ही फोल्ड कर देना है। यहां पर आपको सिंपली स्टेपल कर देना है इस जगह पे बीच में और ये देखिए आपकी बुक लेट रेडी हो गई है। ये देखिए पेज नंबर 1, इसलिए मैंने बड़े बड़े लेटर्स में पेज नंबर डाल दिया है। इसके बाद इसको पलटेंगे तो पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, आगे पलटते हैं पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, आगे पलटते हैं पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, इसके बाद पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, फिर हम आ जाते हैं पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, देन 12-13 और इसके बाद आ जाते हैं 14-15 और ये बुक आपकी बंद हो गई 16। और ये देखिए इस तरह से आप कितने आराम से बुक को प्रिंट कर सकते हैं। और यहां तक मैंने 1-16 निकाल लिया है, इसको स्टेपल कर दीजिए। इसके बाद 17 के आगे वाले फिर इसी तरह से सेट बना लीजिए, उसके आगे वाले फिर इसी तरह से सेट बना लीजिए और इसके पीछे 16 के बाद 17 वाला सेट, उसके बाद दूसरा वाला सेट जोड़ के आप पूरी बुक घर में ही अपने इस नॉर्मल इंक टैंक प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आज पहली बार इस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑनलाइन जुगाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अपना दूसरा वाला चैनल ऑनलाइन जुगाड़ शॉर्ट्स, जिसमें 1 मिनट में बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मजेदार वीडियो आपको देखने को मिलते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।